आप डायरेक्टर साहब क्यों मजबूर करते हैं आप लोगों को बुलाने के लिए? व्हाई यू कंपेल अस टू कॉल फॉर पर्सनल प्रेजेंस? इसमें जितने भी नेसेसरी ऑर्डर्स थे सब प्रशासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं। डिले इंस्टीट्यूट नाइनटीन का मैटर है ये, और इट पिटीशन डिसाइडेड इन द ईयर 2016 सर, 19 को ही सर ऑर्डर निकल गया था शासन का कि इनको पेमेंट किए जाए। बट व्हाई द पेमेंट वाज पेमेंट सर वो संस्था इस तरह से लंबे तरह है। 12 टाइम दिस मैटर वाज लिस्टेड बिफोर दिस कोर्ट एंड एवरी टाइम व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू वेस्ट आवर टाइम फॉर कंप्लायंस पर्पस, वी आर हियर टू डिसाइड द मैटर, not to call you or execute the matter. When the order has been passed, it is for you to comply it. Why this retired person are required to approach this court? So who is responsible for this down payment when the government has passed the order? Institute level fees are really over. Institute ne kya nahi kiya? Institute matlab aap hi ka institute hai, aap hi ke under mein. Ji sir. Private ko nahi hai, government sir. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2
जैन इंडियन कॉलेज हु इज प्रिंसिपल आए हैं प्रिंसिपल बोला ही उमेश पिंडारकर यही है तो सर अभी वर्तमान में सर उनके पहले सर उमेश पटेल वो कहां थे पिंडर का जीता आप आई था व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर डिले इस तरफ आइए चार साल का डिले क्यों हुआ ऑर्डर तो 2018 का है ना 11/7/2018 अब तो आप थे क्यों नहीं किया Just because they are class 4 employee, they are working at your mercy. They don't have any right. कि जब आप पैसा देंगे तब ले लेंगे नहीं लेंगे काम करते रहेंगे लेके लिए आपका रुका कभी तनख्वाह एक आध दिन कम मिली आपको कभी नहीं फिर इन्हीं के साथ क्यों होता है क्लास 4 एम्प्लॉय के साथ सारा लिटिगेशन यहाँ क्लास 4 एम्प्लॉय का आता है मैक्सिमम क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं आप लोगों का क्या आपके तो चैम्बर में भी नहीं आ सकते वो आपके यहां तो पहुंचना असंभव है उनके लिए कहां जाएगा हाईकोर्ट में आएंगे हाईकोर्ट का टाइम वेस्ट होगा ये सब सुनवाई के लिए आपसे मिल नहीं सकते ये एंटरटेन नहीं कर रहे हैं कहां जाएगा गरीब आदमी गरीब एम्प्लॉय हमने इनका प्रस्ताव जो शासन को है सर 28 एक्ट को भेज दिया था सर उसके ऊपर से शासन का तो ये हाईकोर्ट क्यों मॉनिटर करे ये सब चीज ये आप क्या कोई ऐसा अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करे Why we are required to do all these exercises instead of deciding criminal appeals or first appeals in which the accused are in jail since last 4 than 10 years? We are here for them, not for this this ministerial work. He complies hona hai aur paisa milna hai. It's a fit case for sending jail. Otherwise, message will not go. In every case, we are seeing that the orders are not being complied for years together for these poor employees. And for that, there is no explanation. पहले हम ऑर्डर करें फिर उसका एग्जीक्यूशन भी करवाएं वो भी हाईकोर्ट पे काम हो गया We directly sent to the jail. Why to hear all these or give opportunity to for compliance? Order is not complied, then go to the jail. 2019 से हम 10 बार केस लगा चुके हैं आपको बार बार बोले कि रिप्लाई दीजिए कंप्लायंस करिए
वो तो जब हुआ जब आपको बुलाया, आपको नहीं बुलाते तो और अभी 2 साल नहीं होता, फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाते हैं तो 24 घंटे में पैसा अकाउंट में आ जाता है। ऐसा क्यों सिस्टम बना हुआ है आपको, प्लीज एक्सप्लेन। इन एवरी केस वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, अनलेस वी कॉल अ सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल एम्प्लॉई ऑर्डर कंप्लाई नहीं होता, फिर हो जाता है 24 आवर्स में जो पिछले 4 साल में नहीं हुआ। आपका बुलाने का ऑर्डर किया, देखिए ऑर्डर हो गया, और ऐसे हम 4-5 एग्जाम्पल और दे सकते हैं आपको। फिर कोर्ट को बोला जाता है कि आप पर्सनल अपीयरेंस कराते थे, हम लोग को कोई प्लेजर मिलता हो आप लोग को बुलाने का, मजबूर आप ही लोग करते हैं। What action you have proposed against the hearing officer? What action you have proposed? Make sure Mr. Gopal makes a ask for the hearing. Why the hearing is being here in such a case in the court decision. The interest amount is liable to be recovered from the sale. Why the state should pay the burden of interest? Interest diya ki nahi? Jo paisa 18 mein milna tha uska interest to lagega 4 saal. Jab aap recover karte hain to compound interest lagate hain. Dene ke samay to 1 rupaye bhi nahi diya aapne interest ko. लिटिगेशन एक्सपेंसेस तो अलग बात, ये तो वर्क चार्ज एम्प्लॉय और आप काम आपके यहाँ रेगुलर एम्प्लॉय का कर रहे हैं, तो अगर इनकी तनख्वाह तो जितनी मिल रही है उससे 4 गुना होना चाहिए अगर ये रेगुलर एम्प्लॉय का आप इनको दर्जा देंगे, तो हाफ रेट पे 1/4 रेट पे आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी यह हाल है कि इनका जो ड्यू है एज पर रूल्स वो भी नहीं मिल रहा, इनके लिए भी करना मजबूरी है, परिवार कैसे चलाएंगे। एक्सप्लेनेशन है आपके पास, बताइए सर। एक्चुअल में गवर्नमेंट में तो सर आदेश जारी कर दिया था 2000, आदेश जारी करने से पैसा थोड़ी इनके अकाउंट में आ जाए सर। अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था चेंज हुई है सर कि अभी जो HOD है वो कमिश्नर को बनाया गया है सर, और 2020 सितंबर के बाद मुझे रिलीव कर दिया गया था, तो मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था फॉर 2 ईयर्स, और लास्ट ईयर सर मुझे 5 अक्टूबर को आदेश हुआ था, मैंने 7 अक्टूबर को पुनः ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, बट राइट नाउ आई एम नॉट HOD, HOD इज कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन, जो कोई जानकारी है नहीं। And at present the establishment charge is not being given to me, it is lying with the other officers. Sir, the file movement is not through me. तो इस वजह से भी सर इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जब ये सर आदेश जारी हुआ तभी मैंने सर मॉनिटर किया, और मैंने पेंडारकर जी को बुलाया था और भोपाल में ही बुलाया, और जो डिस्कशन करना था वो डिस्कशन किया, और नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारे सामने पूरा गवर्नमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है, पर इट्स नो एक्सप्लेनेशन ऑन पार्ट ऑफ फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ 4 ईयर्स। कुछ नहीं, पैसा देना है ऐसा कैलकुलेट करके सर। पैसा भी कैलकुलेट करने के लिए आजकल मैनुअली नहीं करना पड़ता, आपका प्रोग्रामिंग है पूरी कैलकुलेट हो जाता है सर। वो तो उसमें डिले, मतलब आई एम फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि डिले किस बात का, फिर उसका एक दूसरा ही मतलब होता है जो आप भी समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस कितना पैसा रिलीज होगा, तो आई डोंट वांट टू से
सर 27 और तो कोई रीजन हो नहीं सकता। दिखाइए ऑर्डर्स क्या निकाल दें, देखें रिटायर हुआ 21 में, 21 में 22 में की डेथ हुई है, 22 में रिटायर, ऑलमोस्ट सभी रिटायर हो गए, दो की डेथ हो गई है, तीन की हुई डेथ हुई। मैक्सिमम लोगों का तो 1 लाख से भी कम पैसा, ये तीन तीन में है लक्ष्य है, इसमें 1 लाख से ऊपर का तीन अमाउंट है उसमें। अरे 2 लाख से भी कम है जिसके लिए इतने साल से लड़ रहे हैं, आपके लिए आपकी तनख्वाह से कम है 1 महीने की, लेकिन उनके लिए तो काफी सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। एक का तो 32,000 रुपए है, एक का 21,000 रुपए, एक का 9,000 रुपए, दो लोगों का 9,000 रुपए, क्या वकील की फीस देंगे, क्या लड़ेंगे, एक का 2,000 रुपए, दो लोगों का, एक का 2,400, एक का 2,100, एक का 2,000, आपकी एक दिन की तनख्वाह, इसके लिए लड़ रहे हैं लोग बताइए, और इसके लिए आप कंटेंप्ट फेस कर रहे हैं इतने छोटे अमाउंट के लिए। ये पैसा आप रुके हुए इतने सालों से, पेमेंट कब हुआ, 11 तारीख को, यहाँ 2 दिन पहले यहाँ आने के, आप इंक्वायरी कंडक्ट करके इसमें बताएंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट में, यहाँ से हम जेल भेजेंगे। दिस इज टू मच, 2,000 रुपए के लिए लोग 4 साल से लड़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब आप, आपको नहीं कैलकुलेट करके आपने देखा कि 2,000 रुपए मात्र देने हैं, सर इनके तीन बिल लगे हुए हैं, कितना होगा मैक्सिमम, कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मिनिमम है, उसके लिए 4 साल लगा दिए आपने देने में, कितना फंड आता है आपके कॉलेज में, लाखों रुपए आता है फंड, आपको 40-50 हजार देने में 4 साल लग रहे हैं, तकलीफ नहीं दिखती आपको क्लास 4 एम्प्लॉय की, आप इंक्वायरी करके बताइए हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई विल ड्रॉ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम, इज द लिमिट, आई विल फॉलो। Question 22.